24 के चुनाव के ठीक पहले पूरे देश का सियासी टेम्परेचर पीक पर है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारियों को फाइनल टच दे रही है। कहीं उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है तो कहीं गठबंधन के गुणा और गणित पर माथापच्ची हो रही है। यानी सियासी दल तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जिस चुनाव आयोग को इस चुनावी समर का शंखनाद करना है, अभी तक उसकी ही टीम अधूरी थी। इसलिए 24 के चक्रवर्ती में आज देश की उबलती सियासत पर बात तो होगी ही, साथ ही सबसे पहले बात चुनाव आयोग की नई टीम की हम करेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाले एक पैनल ने इसे लेकर के बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद दो चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस पैनल का हिस्सा बने और उन्होंने मीडिया में जो जानकारी दी उसके मुताबिक पैनल ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगा दी है। अब आपको इन नए संभावित आयुक्तों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जो केरल कैडर से आते हैं। ज्ञानेश कुमार को मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया था। इसके पहले वो 2019 में गृह मंत्रालय में तैनात थे और जिस वक्त जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया उस वक्त वो कश्मीर डिवीजन में ही तैनात थे। ज्ञानेश कुमार सहकारिता और गृह मंत्रालय में रहते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी काम कर चुके हैं। अब दूसरे आयुक्त सुखबीर संधू की बात करते हैं। सुखबीर संधू 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार के दौरान उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा वो NHAI के चेयरपर्सन और मानव संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही वो लुधियाना नगर निगम के कमिश्नर रह चुके हैं, जहां उनके कामों के लिए उन्हें राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित भी किया गया। अब समझते हैं कि आखिर इन दोनों आयुक्तों का चयन इतना जरूरी क्यों था और इनकी वजह से अभी तक तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो पाया। तो इसकी वजह है चुनाव आयोग को संविधान से मिली ताकत। संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है और ये संस्था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी जिम्मेदार संस्था है। CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसकी मदद के लिए दो चुनाव आयुक्त भी तैनात होते हैं। अब चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, आचार संहिता लागू हो जाती है और इस दौरान पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है और अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे काम भी चुनाव आयोग के निर्देश पर ही उस समय होते हैं। यानी चुनाव आयोग में CEC समेत तीन आयुक्तों का होना अनिवार्य है। फिलहाल राजीव कुमार मौजूदा CEC हैं, जबकि एक आयुक्त अनूप पांडे 15 फरवरी को रिटायर हो गए थे। वहीं 9 मार्च को दूसरे आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी चुनाव से पहले दो आयुक्तों के पद खाली हैं और इसलिए नियमों के तहत दो चुनाव आयुक्तों का चयन यहां जरूरी था ताकि चुनाव आयोग ठीक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा पाए। और फिलहाल एक नए कानून के तहत CEC और EC की नियुक्ति की जाती है। कानून मंत्रालय पहले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करता है, फिर 3 सदस्यीय चयन समिति को नाम भेजे जाते हैं। इस चयन समिति की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके दूसरे सदस्य होते हैं। वहीं तीसरे सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री किसी केंद्रीय मंत्री को नॉमिनेट करते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि चयन समिति उन्हीं नामों पर विचार करे जिनकी सिफारिश की गई हो, वो किसी अन्य नाम को लेकर के भी फाइनल इस पूरे मुद्दे को कर सकता है। एक बार सहमति बनने के बाद नाम राष्ट्रपति को भेज दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन जारी होता है और चुने गए आयुक्त अपना कामकाज संभाल लेते हैं। लेकिन अब विपक्ष ने चुनाव आयुक्तों के चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 सदस्य पैनल में शामिल नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरी प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कल रात उन्हें 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई, ऐसे में इतने कम वक्त में सभी के प्रोफाइल जांचना किसी के लिए भी असंभव है। उनके क्या आरोप हैं पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये तो होना ही था, जो होना ही था हो रहे हैं। और मैं यूं कि मेरे पास कोई तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारे इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है, इसको भापना मेरे लिए असंभव है। लेकिन जो प्रोसीज्योरल जो लकुना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि
ये तो होना ही है, पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहेंगे वही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार में गठबंधन के गुणा और गणित की, क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग का जो नियर पॉसिबल फॉर्मूला सामने आया है उसमें चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एलजेपी में टूट के बाद एक वक्त ऐसा था जब चिराग बिल्कुल हाशिए में चले गए थे, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर 3 सालों में ऐसा क्या बदल गया जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर चाचा पर भतीजे को तरजीह दे रही है। सवाल ये भी है कि 2021 में एलजेपी की टूट के बाद साइडलाइन नजर आ रहे चिराग अचानक इतने इम्पोर्टेंट बीजेपी के लिए क्यों हो गए। हम इन सियासी सवालों का जवाब तो तलाशेंगे ही, लेकिन सबसे पहले पासवान परिवार की वजह से बिहार की सियासत के बदल रहे समीकरणों को समझ लेते हैं। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। चाचा पर भारी मोदी के हनुमान, बिहार में जारी सियासी घमासान। बिहार में बीजेपी ने चाचा पर भतीजे को तरजीह क्या दी, एनडीए में खींचतान की खबरें सामने आने लगी। खबरों की माने तो चिराग पासवान को एनडीए में तरजीह दिए जाने को लेकर एनडीए के बाकी सहयोगी दलों में गुस्सा है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट न मिलने की वजह से काफी खफा है। पारस संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे हैं और उनके पार्टी के प्रवक्ता भाजपा को बुरा भला कह रहे हैं। इतना ज्यादा ओवर पैम्पर करने की जरूरत क्या है, जस्ट बिकॉज वो युवा है। तो अगर ऐसी बात है तब तो फिर कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं जो 50+ है या 40+ है या 70+ है, जितने भी, सबको फिर हटा दीजिए, युवाओं को ढूंढ ढूंढ के लाइए, वो आपको करना नहीं है। ऐसी बात है तो भाई अमित शाह जी की भी एज हुई है, जेपी नड्डा जी की भी एज हुई है, क्या कहते हैं नितिन गडकरी की भी एज हुई है, हमारे पीएम के भी, सबको हटा दीजिए फिर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर पैम्पर के चक्कर में जो लोग बिना शर्त के हमेशा एनडीए के साथ खड़े हैं उनके साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पशुपति पारस के अलावा उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। दोनों ही दलों से कोई भी बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा जा रहा है कि एनडीए में उनकी अनदेखी की जा रही है। नीतीश खेमे में इस बात की नाराजगी है कि जिस चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बुरा भला कहा उसे एनडीए में इतनी सीटें क्यों दी जा रही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इसमें नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया कि नीतीश कुमार को मनाने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा खुद उनके आवास पहुंचे। इसके ठीक बाद सम्राट चौधरी जीतन राम आदि से मिलने के लिए भी पहुंचे। दरअसल एनडीए में इस बात की भी चर्चा है कि चिराग को तवज्जो मिलने से नाराज पार्टियां कहीं महागठबंधन का रुख न कर ले। हालांकि बीजेपी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन सम्राट चौधरी की इस छुप्पी को लेकर अब अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। अब सम्राट चौधरी भले ही चुप हो, लेकिन बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू के मुताबिक एनडीए में सब कुछ क्लियर है, गठबंधन भी और सीट शेयरिंग भी, यानी बीजेपी को किसी की नाराजगी से खास फर्क नहीं पड़ेगा और जो फॉर्मूला तय हुआ है उसी के मुताबिक चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा, जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैठक जो चलना है वो बैठक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन से सभी लोग सहमत है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है। नहीं, चिराग पासवान को तो आप लोग मना लिए, पर पारस जी को लेकर अब पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहां क्या दिक्कत है, सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथ ही हमारे साथ। एनडीए के अंदरूनी हालात पर महागठबंधन की भी पैनी नजर है। विपक्षी ब्लॉक को उम्मीद है कि अगर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी बढ़ी तो नाराज घटक दल अकेले चुनाव लड़ने की जगह आईएनडीए ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं। शायद इसलिए महागठबंधन भी सीटों का ऐलान करने की जगह वेट एंड वॉच के मूड में है। एनडीए में पूरा विवाद खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को उनके चाचा पर तवज्जो देने के बाद शुरू हुआ, लेकिन पासवान परिवार की आपसी कलह का असर पूरे बिहार की सियासत पर नजर आ सकता है। भारत 24 के लिए पटना से अश्विन सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार की रिपोर्ट।
अब फिर से उस सवाल पर लौटते हैं जिसकी वजह से चिराग अपने चाचा पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे पहली वजह है कि एलजेपी में टूट के बाद बीजेपी को पशुपति पारस से दलित वोट की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन शायद बीजेपी समझ ही गई है कि ये वोट उन्हें पशुपति पारस से नहीं बल्कि उनके भतीजे चिराग पासवान से मिल सकते हैं। और सियासी जानकारों की माने तो चाचा पर भतीजे को तवज्जो देने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी चाचा पशुपति पारस को नाराज कर चिराग पर दाव क्यों खेलना चाहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भले ही एलजेपी में टूट के बाद पार्टी का बड़ा धड़ा पशुपति नाथ पारस के साथ हो, लेकिन जनता के बीच अभी भी चिराग की रामविलास पासवान की सियासत के असली वारिस के तौर पर देखे जाते हैं। यही नहीं, 2019 के लोकसभा और 2020 के बिहार चुनाव में भी उनकी ताकत साफ नजर आई। जहां एक तरफ तो उन्होंने लोकसभा में अपने हिस्से की सभी 6 सीट जीत ली, तो वही विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बिहार और खासकर एलजेपी के कोर वोटर्स के बीच चिराग पासवान को लेकर के सहानुभूति का माहौल है, जबकि पार्टी तोड़ने से पशुपति पारस की छवि प्रभावित हुई। यही नहीं, चिराग के जरिए बीजेपी ने एनडीए के अपने अहम सहयोगी नीतीश कुमार को भी बड़ा संदेश दिया है। दरअसल बीजेपी ने चिराग के जरिए नीतीश को संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और चिराग के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, जिसके बाद नाराज चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि चिराग के उम्मीदवारों ने जेडीयू के वोट काटे और जेडीयू 43 सीट से के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर चिराग पासवान पर निशाना साधा और 24 से ज्यादा सीटों पर हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। यानी चिराग पासवान ने बिना एक भी सीट जीते भी अपनी ताकत लोगों को दिखा दी और अब उन्हें तरजीह दे करके बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को भी सियासी संदेश दे रही है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी अहमियत है वो ये है कि एलजेपी का सॉलिड वोट बैंक, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 35.4% वोट मिले जबकि उन्हें 39 सीट पर जीत दर्ज हुई। इसकी तुलना में आरजेडी और कांग्रेस को मिला करके 28.3% वोट मिले, लेकिन महागठबंधन को सिर्फ एक सीट ही मिली। यानी वोट प्रतिशत के लिहाज से समझें तो महागठबंधन को एनडीए से तकरीबन 7% कम वोट मिले, लेकिन एलजेपी को अकेले ही 8% वोट मिल गए और वो इन 8% वोटों के दम पर अपने हिस्से की सभी 6 सीट जीतने में कामयाब रहे। यानी आंकड़ों के हिसाब से बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का जो अंतर था, एलजेपी को उससे ज्यादा वोट मिले और ऐसे में अगर ये वोट छटके तो ना सिर्फ ये अंतर कम होगा बल्कि इसका जो असर है वो सीटों पर पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी जब बिहार की सभी 40 सीटें जीतने का टारगेट कर रही है और चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वो पिछले चुनाव में डिसाइसिव साबित हुए वोट को लेकर के कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और शायद इसलिए सीट शेयरिंग के इस संभावित फॉर्मूले में मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़ सकते हैं।